हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही क्विक रेसिपी सिखाऊंगी, टमाटो पुलाव। इसके लिए हमें सिर्फ टमाटर चाहिए, चार पांच अच्छे लाल, बड़े बड़े लाल टमाटर। जितने हमारे टमाटर हैं उतने ही हमारे ये चावल चाहिए हमको। अब हम चावल को इसमें धो लेंगे, कुछ थोड़ा बस लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। अब मैं टमाटर को फटाफट पीस लेती हूँ, जब तक मेरा ऑयल गर्म होगा जब तक मेरे टमाटर पीस जाएंगे। टमाटर प्यूरी मेरी बन गई है, गैस मैंने ऑन कर दिया था। देखिए टमाटर प्यूरी कितनी बढ़िया बन गई है, देखेंगे हमारा ऑयल गर्म। बस 3 या 4 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालता इसमें। ये देखिए हमारा ये गर्म हो गया है ऑयल अच्छे से। इसमें गरम मसाला और जीरा डाल के हम भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से भून रहा है। इसी में हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे पिसा हुआ हमारा, क्योंकि अदरक का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम अदरक को अच्छे से भून लेंगे। इसी में हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे ऑयल में, क्योंकि इससे ऑयल में डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इसके बाद हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। कि हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लाल हो गई, एकदम से टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब जब तक ये हमारे टमाटर भून रहे हैं इसी में हम ये चावल भी डाल देंगे, क्योंकि हमको चावल भी करीब 3 से 4 मिनट भूनना है। ये चावल को हमको करीब 3 मिनट तक भूनना है, जिससे कि ये पूरे रेड हो जाएंगे अच्छे। इसी में हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, करीब 1 चम्मच। इसी में गरम मसाला भी डाल देंगे अभी भूनते हुए में। ये देखिए अच्छे से उबाल आने लगा है, ये अच्छे से हमारे राइस भून गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। अब जितना हमने चावल लिए थे उतना ही हम इसमें बराबर से पानी डाल लेंगे। 1 कटोरी मेरे चावल थे तो मैं बराबर से 2 कटोरी इसमें पानी डाल दूंगी। अब हम इसको 1 उबाल आने तक उबालने देंगे। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तब हम इसमें सीटी लगाएंगे। अभी इसमें सीटी नहीं लगानी है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि अगर हम अभी से सीटी लगा देंगे तो ये ऊपर तो रेड हो जाता है लेकिन अंदर से नीचे से वाइट रहता है। इसलिए हम सीटी जब लगाएंगे जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है, अब हम इसको बंद कर देंगे, सीटी लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है इसमें। बस इसमें सिर्फ 1 ही सीटी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चावल जो थे अच्छे से भून चुके हैं। इसमें इसलिए सिर्फ 1 ही सीटी लगाएंगे बस। और 15 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं इसको कुकर को खोलूंगी। लगता है राइस मेरा बन गया है, सीटी निकल गई है। वाओ, देखो कितना सुंदर कलर आया है। ये देखिए ऊपर से भी रेड है और अंदर से भी उतना ही रेड है। देखिए ये देखिए पूरा फुल टू रेड है। यस, ये देखिए हमारे राइस तैयार है, टमाटो राइस। कितनी जल्दी 3 से 4 मिनट में हमारे राइस तैयार हो गए। बढ़िया प्याज के रायते के साथ सर्व करिए, लॉकडाउन का आनंद उठाइए। टमाटर इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया तरह तरह की चीज़ बनाइए और बनाइए और खाइए खिलाइए।